जब भी आप कोई काम करें तो अपने आप से हमेशा पूछें कि क्या वो काम आपको करना अच्छा लगता है, क्या उस काम में आप अच्छे हैं, क्या वे काम मुझे पैसे देंगे और क्या उस काम की दुनिया को जरूरत है। जापान के ओकिनावा के लोग सफ़ेद जहर यानी नमक और चीनी बहुत ही कम खाते हैं, पेट भर के खाना नहीं खाते हैं और भूख का 80% ही खाना खाते हैं। हेलो दोस्तों, जापान के एक आइलैंड जिसका नाम ओकिनावा है उस पर 1,00,000 लोगों में से औसतन 25 लोग 100 ईयर की उम्र से ज़्यादा के हैं, जो कि पूरी दुनिया से बहुत ज़्यादा है। जापान का एक गांव जिसका नाम ओजमी है उसको दुनिया में लंबी उम्र के गांव के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वहां पर सबसे ज़्यादा लंबी उम्र के लोग रहते हैं। तो आखिर ऐसा कौन सा रहस्य है जो उनको इतनी लंबी उम्र देता है, इसी रहस्य के बारे में हमें यह किताब बताती है और उस रहस्य का नाम है इकिगाई। क्या है इकिगाई? फर्स्ट स्टेप, जब आप वो काम करते हो जिसे आप करने में इंटरेस्टेड हो और जिसमें आपका टैलेंट हो, इंटरेस्ट प्लस टैलेंट इन दोनों को मिला देते हो तो बनता है पैशन। सेकंड स्टेप, जब आप वो काम करते हैं जिसे आप करने में अच्छे हैं और उसको करने के लिए आपको पैसे भी मिलेंगे, काम करने में अच्छे प्लस काम से पैसे इन दोनों को मिला देते हैं तो बनता है प्रोफेशन। थर्ड स्टेप, जब आप वो काम करते हैं जिसे करने से आपको पैसे भी मिलते हैं और दुनिया को उस काम की ज़रूरत भी है, काम के पैसे प्लस दुनिया को ज़रूरत इन दोनों को मिला देते हैं तो बनता है वोकेशन। फोर्थ स्टेप, जब आप वो काम करते हैं जिसकी दुनिया को ज़रूरत है और उस काम से आप प्यार भी करते हैं, दुनिया को ज़रूरत प्लस काम से प्यार इन दोनों को मिला देते हैं तो बनता है मिशन। लास्ट स्टेप, आखिरी कदम में अब जब चारों कदम पैशन, प्रोफेशन, वोकेशन और मिशन को मिला देते हो तो बनता है इकिगाई। जब भी आप कोई काम करें तो अपने आप से हमेशा पूछें कि क्या वो काम आपको करना अच्छा लगता है, क्या उस काम में आप अच्छे हैं, क्या वे काम मुझे पैसे देंगे और क्या उस काम की दुनिया को ज़रूरत है। हर किसी का अपना एक इकिगाई होता है, उसी को हमें ढूंढना है। जापानीज उसी को ढूंढकर अपनी ज़िंदगी उसी के अकॉर्डिंग जीते हैं। ऐसी और क्या चीज़ें हैं जिससे जापान के लोगों की इतनी लंबी उम्र और हैप्पी लाइफ होती है, तो आइए देखते हैं। रिटायरमेंट, क्या आपको पता है कि जापान की भाषा में रिटायरमेंट का मतलब जैसा कोई शब्द नहीं है। जापान के लोग अपने काम से कभी भी रिटायर नहीं होते हैं, वो पूरी जिंदगी कुछ ना कुछ काम करते ही रहते हैं। वहीं अगर हम दूसरी तरफ दूसरे देशों की बात करें तो लोगों को जल्दी से रिटायरमेंट चाहिए, उनको कैसे भी कर अपने काम से छुटकारा चाहिए, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो अपने काम से प्यार नहीं करते। जब आप कोई भी काम जबरदस्ती या पैसों के लिए करते हैं तो उस काम में आप खुश नहीं रहते हैं, और इस तरह जिस कंपनी के लिए आप काम करते हो उसको भी आपके काम से ज़्यादा वैल्यू नहीं मिलती। लंबी और खुशहाल जिंदगी जीने के लिए आपको अपने काम से प्यार होना चाहिए, तब जाकर आप कभी भी रिटायरमेंट के बारे में नहीं सोचेंगे, क्योंकि आपकी खुशी अब आपके काम में होगी। 80% भोजन, जापान के लोग कभी भी पेट भर खाना नहीं खाते हैं, वे हमेशा अपनी भूख का 80% ही भोजन करते हैं। इसके लिए आप जब भी खाना खाएं, जैसे ही आपका पेट भरने वाला हो तुरंत खाना बंद कर दें। शुरुआत में शायद आपको पता ना चले कि कब आपने 80% खाना खा लिया है, लेकिन जैसे जैसे आप इसको अप्लाई करेंगे धीरे धीरे सीख जाएंगे। एक रिसेंट स्टडी में पता चला है कि ओकिनावा के लोग रोज औसतन 1800 से 1900 कैलोरी तक फूड लेते हैं, जबकि अदर्स कंट्री के लोग औसतन 2200 से 3300 कैलोरी तक फूड लेते हैं। डिप्रेशन, लंबी उम्र का दुश्मन। हेडलबर्ग यूनिवर्सिटी ने एक स्टडी कंडक्ट की जिसमें उन्होंने 30 डॉक्टरों को जॉब इंटरव्यू के लिए भेजा, जहां उन्हें बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन करने के लिए दिया गया। बाद में जब उनके ब्लड सैंपल लिए गए और उनको चेक किया गया, तब पाया गया कि उनके शरीर में एंटीबॉडी ने उन डिफिकल्ट क्वेश्चंस को वैसे ही रिएक्ट किया जैसे कि वो पैथोजेंस पर करती है, जो कि बीमारी को पैदा करने वाले जीव के अगेंस्ट होती है। इसमें दिक्कत यह है कि जब ये एंटीबॉडी बनाती है तो ये पैथोजेंस को तो मारती ही है, लेकिन साथ में हमारे हेल्दी सेल को भी मार देती है, जिससे हम उम्र से ज़्यादा बूढ़े लगते हैं, क्योंकि हम हमेशा से ऐसे नहीं थे। पहले हम शिकार के लिए जाया करते थे, तभी तनाव लिया करते थे, लेकिन आज छोटी छोटी बात को सोचते रहते हैं और अपने हेल्दी सेल को मारते रहते हैं। पहले का तनाव सच्चा तनाव था,
मतलब कि कोई जब जानवर आकर हमला करता था तो इसमें हमारी जान भी जा सकती थी। लेकिन आज के खतरे सिर्फ नाम मात्र के खतरे हैं, जो हम सिर्फ अपने दिमाग में बना लेते हैं, लेकिन असल में वे होते नहीं हैं। लेकिन ध्यान रखें, थोड़ा सा तनाव आपके लिए अच्छा है, जिससे आपको काम करने में हेल्प मिलेगी। ज्यादा ना बैठें, ज्यादा देर तक बैठने से आप जल्दी बूढ़े होंगे। ज्यादा देर तक बैठने या लेटे रहने से शायद आपको फिजिकली आराम मिले, इससे आपकी सेल्स को भी नुकसान होगा। बेड डाइजेशन, हाइपरटेंशन और यहाँ तक कि कैंसर जैसी बीमारी भी हो सकती है। इससे बचने के लिए आपको बस अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ये कुछ बातें जोड़नी चाहिए। रोज कम से कम 21 मिनट चलें। लिफ्ट या एलिवेटर का इस्तेमाल ना करें, बल्कि ज्यादा से ज्यादा सीढ़ियों का इस्तेमाल करें। सोशल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करें, ताकि आप देर तक टीवी के सामने ना बैठे रहें। जंक फूड और पैकेट वाले फूड को अच्छे खाने से रिप्लेस करें। एक अच्छी क्वालिटी की नींद लें, 7 या 8 घंटे की नींद लें, इससे ज्यादा ना सोएं। अपने बच्चों या अपने पालतू जानवरों के साथ खेलें। स्टार्टिंग में आप टाइमर भी लगा सकते हैं, ताकि आपको याद रहे कि चलने का वक्त हो गया है। आप गूगल से ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। काम में फोकस, जो आप काम करते हैं उसको करते वक्त फोकस होना बहुत जरूरी है। फोकस होने से आपके काम में फ्लो आता है, जिससे आप वो काम बहुत ही आसानी से और बिना थके कर सकते हैं। काम में फोकस और फ्लो लाने के लिए आपको कुछ बातों को फॉलो करना चाहिए। कठिन काम चुने, हमेशा वो काम चुने जिसे करने के लिए आपको रिसर्च करनी होगी, आपको मेहनत करनी होगी। उसको करने के लिए आपके दिमाग को हमेशा सोचना होगा, ताकि आपका फोकस बना रहे। ध्यान रहे, कोई ऐसा काम ना चुन ले जो आपके एबिलिटी से बाहर हो और जिसे करना आपके लिए इतना ज्यादा कठिन हो कि कुछ दिनों बाद उसको करना बंद कर दे। और कोई ऐसा काम करने भी ना लग जाए जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा आसान हो, जिसे करते वक्त आप बोर फील करें और उसको करना बंद कर दें। क्लियर ऑब्जेक्टिव, किसी भी काम को शुरू करने से पहले आपके पास उसको करने के लिए क्लियर ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, कि आपको क्या करना है, कब करना है और क्यों करना है। ये सब बातें आपको पहले से पता होनी चाहिए। उसको खत्म करने के लिए एक समय होना चाहिए, ताकि उसको आप समय पर खत्म कर सके। सिर्फ एक काम, हमें ऐसा लगता है कि एक साथ एक से ज्यादा काम करने से हम अपना समय बचाते हैं और ज्यादा काम कम समय में खत्म कर सकते हैं। लेकिन साइंटिफिक एविडेंस इसके बिल्कुल अपोजिट है। जो लोग एक समय में एक से ज्यादा काम करते हैं, वो काम को लेट से खत्म करते हैं, साथ ही साथ उस काम को करते वक्त वह बिल्कुल भी प्रोडक्टिव नहीं होते। आप खुद देखिए, आप कितनी बार खाना खाते वक्त अपना मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हैं, पढ़ते वक्त टीवी देखते हैं, एक काम सोचते वक्त किसी और काम के बारे में सोच रहे होते हैं। अगर आपका अपना फोकस बढ़ाना है और काम में फ्लो चाहिए, तो आपको एक समय में सिर्फ एक ही काम करना या सोचना होगा। सोने से एक घंटा पहले अपने फोन की स्क्रीन को ना देखें, इससे आपको जल्दी नींद आने में हेल्प मिलेगी। और जब भी आप सुबह उठें, तो एक घंटे तक अपने फोन, लैपटॉप या टीवी स्क्रीन को बिल्कुल ना देखें। काम करते वक्त फोन को स्विच ऑफ या डू नॉट डिस्टर्ब मोड पे कर दें। 50 मिनट काम और 10 मिनट आराम करें, और बेकार के कामों को ना कहना सीखें। दुनिया के सबसे लंबी उम्र वाले लोग क्या खाते हैं? WHO के अनुसार जापान में सबसे ज्यादा लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। यहाँ मेल्स के लिए 85 ईयर्स और फीमेल्स के लिए 87 ईयर्स है। तो आइए देखते हैं कि जापान के लोग ऐसा क्या खाते हैं जिससे वह इतनी लंबी उम्र तक जीते हैं। जापान के ओकिनावा के लोग सफ़ेद जहर यानी नमक और चीनी बहुत ही कम खाते हैं, पेट भर के खाना नहीं खाते हैं, और भूख का 80% ही खाना खाते हैं, जो कि हमने पहले ही देख लिया है। सो फ्रेंड्स, हमने इस बुक में क्या सीखा? फर्स्ट स्टेप, जब आप पैशन, प्रोफेशन, वोकेशन और मिशन को मिला देते हो, तो बनता है इकिगाई, जो कि एक खुशहाल और लंबा जीवन जीने का सही तरीका है, जो हम सभी के लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और हाँ, पैसा कमाने से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सेकेंड स्टेप, ऐसा काम चुने जिसे करने के बाद आप रिटायरमेंट के बारे में ना सोचें। थर्ड स्टेप, डिग्रेशन से दूर रहें, ज़्यादा ना बैठें, अपने भोजन का 80% खाना खाएं, पहले अपने काम को लेकर क्लियर रहें और फिर अपने काम में फोकस रहें। सो होप दोस्तों कि आपको यह वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें।